हमारे देश और हमारे समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए मैं एक ही बात जानता हूँ, ये सन्यासी अपने आप को सन्यासी तो बोलते हैं, इन्हें सन्यास पे ही हम लोगों ने भेजना है, अब इन्हें शहरों से निकाल कर पहाड़ों पे ही भेजना है और कहीं नहीं भेजना। और जो लोग बार बार दलित समाज को अपमानित, बहुजन समाज को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, उन पे जूते बरसाने का भी समय इस समय मध्य प्रदेश चुनाव में आ गया है। इन लोगों को अब आपको जूतों से ही स्वागत करना हो। जब इनके लोग आपके घरों में वोट मांगने आए तो अपने जूतों की माला इनके स्वागत के लिए तैयार रखें। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, याद होगा जब SC ST एक्ट संसद से पास हुआ था एक बड़े संघर्ष के बाद, तो इन सवर्णों ने अपनी दुकानों के आगे, अपने घरों के आगे क्या लिखा था कि मैं सवर्ण समाज का व्यक्ति हूं और मैं SC ST एक्ट का विरोध करता हूं। यानी उन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई दलितों के विरोध में। तो अब दलित और बहुजन समाज के जो लोग हैं उन्हें भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब उन्हें अपने घर के आगे लिखना होगा कि कोई भी सवर्ण समाज का व्यक्ति दलित समाज के आगे, घर के आगे मत्था टेकने चुनाव में ना आए, वरना जूतों से सुधारने का कार्य यही दलित वर्ग अब करेगा। सर आपने लिखने की बात की तो मुझे बाबा साहब की बात याद आई, जिसने बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक है, लेकिन हमारे लोगों ने क्या लिख दिया, शुभ लाभ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा हजारों साल तक इन लोगों ने गुलाम बना के रखा। और अगर आप उसे सोचेंगे कि 30-40 साल या 50-60 साल के अंदर ही वो बदलाव आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के युवा ने उस चीज को बदलाव के लिए इतना बड़ा कदम करके दिखा दिया, इतना बड़ा कार्य करके दिखा दिया, जो चीज कभी 50-60 साल या हजारों सालों में नहीं हुई वो धीरे धीरे तेजी से अब कुछ सालों में हुई है। और आप देखें पिछले 5-10 साल में तो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। अब उन्होंने शुभ लाभ हटा के जय भीम और शासक लिखना शुरू कर दिया। आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, जहां पहले बहुजन समाज के लोग बोलते हुए भी कतराते थे, कभी इनके विरोध में कभी सड़कों पे नहीं उतरते थे, आज वही लोग इन्हें उठा उठा के पटक के मारने को तैयार बैठे हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा। और आने वाले समय में कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं होता, उसमें कुछ समय चाहिए होता। और अब मुझे ये लगता है, जैसे मैं अभी पिछले कुछ समय से देख रहा हूं, और जितना युवा आगे आ रहा फ्रंट पे आ रहा, आने वाले 5-6 साल के अंदर ये वो समय आएगा कि हम जो बार बार कहते हैं ना शासक प्रधानमंत्री बने, वो जल्द बनेगा, मुझे इस बात का भी विश्वास है।